कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट्स 24। बात करेंगे लोहा बाजार में, खासतौर से बिलेट की कीमतों के बारे में। आज देखेंगे बिलेट का किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है, लोहा बाजार में क्या कीमतें चल रही हैं बिलेट की, कुछ मंडियों में आज के रेट के बारे में बात करेंगे, जानेंगे इस हफ्ते किस तरह की शुरुआत हुई है बिलेट के बाजार में, किस तरह का उतार चढ़ाव और ट्रेंड मार्केट में आज देखा जा रहा है, विस्तार से इस बारे में बात करेंगे। मगर उससे पहले चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। तो बिलेट के बाजार के बारे में बात करते हैं हम। तो इस हफ्ते की शुरुआत में प्रॉफिट बुकिंग के साथ इंगट में कारोबार हुआ है, और पिछले हफ्ते वीकेंड वाले दिन बाजारों में अच्छी खासी बढ़त इंगट में देखी गई, और 47,000 के आसपास जो इंगट का लेवल देखा जा रहा था वहां से लगभग 2,500 रुपए प्रति टन की बढ़त दर्ज करी गई है, जिसको देखते हुए इंगट का लेवल 49,000 के पार मार्केट में देखा जा रहा है। कीमतों के बारे में बात करते हैं तो आज बाजारों में प्रॉफिट बुकिंग जो देखी गई है उसका असर आपको इंगट के साथ साथ बिलेट पर भी देखने को मिला है, और उसको देखते हुए मंडी गोविंदगढ़ में बिलेट का आज का रेट 49,100 रुपये है। दुर्गापुरी कीमतें 47,200 रुपये है। रायगढ़ का रेट 46,100 रुपये देखा जा रहा है। रायपुर में 46,600 रुपये पर कामकाज हो रहा है। कोलकाता का रेट 47,900 रुपये है। जयपुर कीमतें 49,100 रुपये चल रही हैं। मुजफ्फरनगर का रेट मार्केट में आप 48,600 रुपये देखकर चल सकते हैं। इसके अलावा मुंबई में 49,100 रुपये का रेट चल रहा है बिलेट का। गाजियाबाद की कीमतें 49,000 हैं। लुधियाना का रेट 48,800 रुपये चल रहा है। हैदराबाद की कीमतें 49,000 रुपये मार्केट में देखी जा रही हैं। इंगट के बारे में बात करते हैं तो इंगट के बाजार में आज प्रॉफिट बुकिंग के साथ कारोबार देखा जा रहा है, जिसको देखते हुए लेवल 49,000 रुपये देखा जा रहा है मंडी गोविंदगढ़ में इंगट का, और जिसमें 300 रुपये तक की गिरावट के साथ कारोबार हुआ है, और एमएस स्क्रैप में 38,500 रुपए का रेट आप मार्केट में देखकर चल सकते हैं। तो बाजारों में पिछले हफ्ते काफी अच्छी खासी बढ़त के साथ इंगट में कारोबार हुआ। 47,000 से 2,500 प्रति टन तक की बढ़त दर्ज करी गई, लेकिन एक्सपायरी भी शुरू हो चुकी है, मंथ एंड भी बाजारों में चल रहा है। आज 20 तारीख हो गई है और अगले हफ्ते मंथ एंड है, तो एक्सपायरी की वजह से प्रॉफिट बुकिंग देखी जा रही है, जिसको देखते हुए आप गिरावट मार्केट में देखकर चल सकते हैं। अच्छा लेवल है, जिन्होंने गिरावट पर खरीदारी करी थी उनके लिए काफी अच्छा रेट है बाजारों में यहाँ से, और जरूरत के हिसाब से ऊपरी लेवल से अपना प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। अगर आज की खबरें आपके लिए उसको लाइक जरूर कीजिए, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।